नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हूँ आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। इंडियन टेक्नोमैक की 308 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति अटैच करने के बाद राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने कंपनी की कुल संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर विभाग ने इसको लेकर सील टेंडर बुलाए हैं। आगामी 28 दिसंबर को विभाग के सभी कार्यालयों में इसकी खुली नीलामी की जाएगी। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी ने बैंकों व विभाग के साथ कथित धोखाधड़ी कर करीब 4,300 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया था, जिस पर सीबीआई कंपनी से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसके अलावा ईडी ने संबंधित कंपनी को अटैच किया है। शीतकालीन सत्र सीएम जयराम बोले, बेजिंदा दिल इंसान थे जीएस बाली। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को तीन पूर्व विधायकों जीएस बाली, बोधराज और डॉक्टर श्री कुमार के अलावा देश के पहले सीडीएस अधिकारी जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले अन्य सैन्य अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि बोधराज का बागवानी क्षेत्र के लिए काफ़ी योगदान रहा, जीएस बाली का प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा और बाली एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे। जयराम ने कहा कि 1998 में मेरे साथ ही उनका विधानसभा में पदार्पण हुआ था। उस वक्त सरकार बनाने के लिए महज एक सदस्य की जरूरत थी और उस समय उन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आईजीएमसी में ऑपरेशन फिर शुरू, मरीजों को मिली राहत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल में लौटने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्य नजर आई। अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए। ओपीडी में रेजिडेंट डॉक्टरों के आने में स्थिति सुधरी है। जातिगत आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे के साथ उठती रही सामान्य वर्ग आयोग की मांग, झुकी सरकार। हिमाचल में सामान्य वर्ग आयोग की मांग पर पिछले 6 महीने से आंदोलन तेज हो गया था। आंदोलनकारियों की मांग थी कि प्रदेश की 75% आबादी सामान्य वर्ग की है, लेकिन यह नेताओं की कठपुतली बनकर रह गई है। मांग उठ रही थी कि जातिगत आरक्षण को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे। ऐसे मामलों को उच्च स्तर पर आयोग के माध्यम से उठाना आसान रहेगा। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने की मांग उठाते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे मामलों में पक्ष रखने को आयोग बनना चाहिए। बाहरी राज्यों के लोगों को सामान्य वर्ग के कोटे में सरकारी नौकरियों में सेंध लगाने से रोकने के लिए एससी और एसटी की तर्ज पर हिमाचली बोनाफाइड होने की शर्त लगाने की मांग आयोग के गठन के मुद्दे के साथ उठाई जाती रही। हिमाचल में मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग का शीघ्र गठन करने की मांग उठाई जाती रही है। हिमाचल में 3 साल के भीतर फार्मा कंपनियों के 37 दवा सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में 3 साल के भीतर 37 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैंजल ने ये जानकारी कांग्रेस विधायक जग सिंह नेगी के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि ये आंकड़ा 15 नवंबर तक का है। प्रदेश में 624 फार्मा कंपनियाँ हैं, इन पर निगरानी के लिए 40 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। सरकार सैंपल फेल होने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ कानूनी जबकि अन्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। एक्ट में जुर्माने तक का प्रावधान है। हिमाचल के 10 जिलों में कोरोना एक्टिव मामलों का ग्राफ 100 से नीचे। हिमाचल में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 651 रह गई है। शुक्रवार को कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, जो कि हिमाचल वासियों को राहत की बात है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3,842 पहुँच गया। रात की बात यह भी है कि 10 जिलों में कोरोना सक्रिय मामलों का ग्राफ 100 से नीचे आ गया है। प्रदेश में मामलों की संख्या 650 से नीचे है। वहीं कांगड़ा और ऊना में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा है। कांगड़ा में 185 और ऊना में 110 सक्रिय मामले हैं। बीएड काउंसलिंग के लिए 14 दिसंबर से मोप अप राउंड।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग धर्मशाला के सरकारी बीएड प्रशिक्षण संस्थान के अलावा विश्वविद्यालय के संबंध सभी निजी बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-22 की काउंसलिंग के लिए मॉपअप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह मॉपअप राउंड 14 से 22 दिसंबर चलेगा। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 14 से 16 दिसंबर तक आवंटित की गई सीटों में सुधार की प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने पसंद के कॉलेजों की प्राथमिकता ऑनलाइन भरनी होगी। कला अध्यापकों के 78 पदों के लिए पहुंचे 2500 अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से कला अध्यापकों के 78 पदों के लिए करवाई गई 4 दिन की काउंसलिंग में करीब 2500 अभ्यर्थी पहुंचे। शिमला जिला के लिए यह काउंसलिंग करवाई गई थी। काउंसलिंग के अंतिम दिन करीब 450 अभ्यर्थी पहुंचे थे। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कला और शारीरिक शिक्षकों के 1690 पदों को भरने की मंजूरी दी थी। इसमें जिला शिमला में कला अध्यापकों के 109 और शारीरिक शिक्षकों के 106 पदों को भरा जाएगा। बैच वाइज और कमीशन के तहत इन पदों को भरा जाएगा। शिमला जिला के कई स्कूलों में पिछले काफ़ी समय से भाषा अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं। अभी विभाग नियमित आधार पर इन पदों को भरने जा रहा है। बैच वाइज काउंसलिंग में गुरुवार को बवाल हो गया था। प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 18 तक करे आवेदन, जल्द जारी होगी पिछले साल की छात्रवृत्ति। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब छात्र 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को राह देते हुए समय सीमा बढ़ा दी है। संयुक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग और छात्रवृत्ति के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए साल में 8 रुपये सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। नए साल में हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिपो में और सस्ता सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरसों तेल टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोल दी है। इसमें कंपनी ने सबसे कम 160 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल देने की हामी भरी है। सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को यह खाद्य तेल 158 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। डिपो में राशन कार्ड धारकों को 188 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने दालों में पहले ही 15 से 20 रुपये तक के रेट कम कर दिए हैं। विधानसभा के अंदर बाहर हुए हंगामे के बीच सीएम जयराम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। हिमाचल के धर्मशाला में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कल पहले ही दिन जमकर अंदर और बाहर हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर जहां विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं बाहर स्वर्ण समाज के लोगों ने सामान्य वर्ग की मांग को लेकर हंगामा किया। इस हंगामे के बीच अब खबर सामने आई है कि सीएम जयराम ठाकुर ने 16 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वहीं यह कैबिनेट की बैठक 16 दिसंबर को शिमला में 10:30 बजे आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा था कि पहले यह बैठक आज यानी शनिवार को प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बैठक अब स्थगित कर इसकी तिथि और स्थान में बदलाव कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि पहले बैठक यह 11 दिसंबर को धर्मशाला में सत्र की बैठक के बाद होनी प्रस्तावित थी। हिमाचल में बहाल नहीं होगी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग सभी राज्यों के कर्मचारियों पर लागू है, इसलिए वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाली करना संभव नहीं है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर एक मुश्त अनुमानित व्यय लगभग 2000 करोड़ रुपये होगा। प्रति वर्ष आवर्ती व्यय लगभग 500 करोड़ होने का अनुमान है। पिछले 3 साल में विभिन्न विभागों में 23,931 नियुक्तियाँ की गई हैं। वहीं ये 80 विभागों अथवा विभिन्न उपक्रमों में की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को राजधानी भत्ता नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी धर्मशाला के भाजपा विधायक विशाल नेहरिया के लिखित सवाल के जवाब में सदन के पटल पर दी। नेहरिया ने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार धर्मशाला में सेवाएं दे रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को राजधानी भत्ता देने का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक। इसके जवाब में सीएम ने स्पष्ट किया कि यह भत्ता नहीं दिया जा सकेगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।